आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चौरी चौरा पुलिस ने 6 साल के अपहृत बच्चे को मात्र 5 घंटे के भीतर किया बरामद। अपहरणकर्ता महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SSP ने बच्चे को बरामद करने वाली टीम को 21,000 का दिया पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 4.56 लाख नवीन लाभार्थियों सहित 55.77 लाख लाभार्थियों को 836.55 करोड़ की धनराशि का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। 5 जिलों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पेंशन की धनराशि मिलने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जताया आभार। ग्राम जगदीशपुर भलुआन में हुई छात्रा काजल सिंह की हत्या तथा जन सेवा केंद्र संचालक से लूट में शामिल 50,000 के इनामिया सातिर अभियुक्त हरीश को गगहा और सविलास की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 2,550 रुपए नगद, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा, भेजा जेल। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान सुरक्षा तरक्की को लेकर आयोजित हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा 2022 में ब्राह्मण व दलित समाज एक साथ मिलकर बनाएंगे प्रदेश में सरकार। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मिशन शक्ति अभियान की पोस्टर वुमेन स्नेही पांडे ने कहा मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का किया जा रहा है प्रयास। महिलाओं को अपने अधिकार के लिए उठानी चाहिए आवाज। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पोषण समिति की बैठक। 1 सितम्बर से मनाए जाने वाले पोषण सप्ताह के कार्य योजना पर की गयी चर्चा। बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडू लीडर सम्मान समारोह में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने 75 जनपदों के शिक्षकों को एडू लीडर सम्मान से किया सम्मानित। कहा योगी सरकार में बदल गई है प्राथमिक स्कूलों की दशा और दिशा। गुड मॉर्निंग अभियान के तहत SP सिटी सोनम कुमार ने गुरुवार को लेक व्यू पर की गांधीगिरी। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर जाना हाल। कहा रहे निश्चिंत, गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 152 केंद्रों पर 48,991 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 40,819 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,172 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने कहा अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडू लीडर सम्मान समारोह में आयोजित सेमिनार में नगर विधायक ने कहा अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे शिक्षक, जिससे क्षेत्र की जनता करे याद। गोरखपुर में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,396। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 10 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। फाइनेंस कंपनियों द्वारा ग्राहकों की जमा धनराशि के भुगतान की मांग को लेकर राइज एंड शाइन सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। फाइनेंस कंपनी में जमा धनराशि की शीघ्र भुगतान की मांग। और अत्यधिक बारिश एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जनपद की सभी नदियां उफान पर। नदी के किनारे के गांव में बढ़ी दिक्कत। जिला प्रशासन लगातार कर रहा है मॉनिटरिंग। लोगों को पहुंचाया जा रहा है राहत एवं राशन सामग्री।